उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप के बाद किस तरीके से लोगों में आक्रोश और गुस्सा देखने को मिला उसकी तस्वीरें आपको जरूर याद होगी। किस तरीके से गैंगरेप पीड़िता के डेड बॉडी को प्रशासन ने बिना परिवार को सूचित किए, बिना परिवार के मर्जी के जला दिया, उसकी भी तस्वीरें आपको याद होगी। किस तरीके से हाथरस की घटना के बाद देश की सियासत गरमाई, वो तस्वीरें भी आपको याद होगी। किस तरीके से विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा था कि हाथरस में जिस तरीके से घटना हुई है उसके जिम्मेवार कौन है, वो तस्वीरें भी आपको याद होगी। एक और हाथरस हुआ है बिहार में, बिहार के मोतिहारी में। सुशासन वाले बिहार में जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि बताइए सुशासन बाबू, बताइए नीतीश कुमार जी, क्या बिहार में जंगल राज के बदले महाजंगल राज आ गया है? बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तो आप खूब नारा लगा रहे थे। बात मोतिहारी में हुए हाथरस कांड की हम करने जा रहे हैं। जिस तरीके से मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर में एक 12 वर्ष के बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई, गैंगरेप की घटना हुई और उसके बाद डेड बॉडी को जला दिया गया बिना परिवार के मर्जी का, बिना परिवार को सूचित किए, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बिहार के हाथरस कांड की पीड़िता का परिवार क्या कह रहा है। आपको इतना जरूर पता होगा कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठना लाजमी है। नेपाल का एक परिवार मोतिहारी में आकर अपने भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी का कार्य करता है और उसके बच्चे के साथ दरिंदगी होती है। वो परिवार नेपाल का है। नेपाल से आकर मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर में गार्ड की नौकरी करने वाले की बेटी के साथ उसी के मकान मालिक ने, मकान मालिक के साथ उसके करीबियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पिता को, परिवार को धमकाया गया। पीड़िता की मां घर पर नहीं थी, नेपाल में थी और उसके बाद उसके डेड बॉडी को जला दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार जी जिस पुलिस के ऊपर आप खूब वाहवाही करते हैं, उस पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे। कुंडवा चैनपुर का थानाध्यक्ष इसमें शामिल था। कुंडवा चैनपुर के थानाध्यक्ष को मोतिहारी के पुलिस कप्तान ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि खाकी वाले ही जब पीड़िता के साथ ना होकर दरिंदगी करने वाले के साथ हो जाए तो भरोसा किस पर होगा, न्याय कौन दिलवाएगा? हमारे पास उसकी ऑडियो भी है, हमने आपको सुनवाया किस तरीके से थानेदार बात कर रहा है। एविडेंस मिटाने की बातें हो रही है, डेड बॉडी को जलाने की बातें हो रही है, लकड़ी मंगाने की बातें हो रही है। उसके बाद सवाल तो उठेंगे ही कि कार्यवाही आखिरकार कब होगी। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ थानेदार ही दोषी क्यों है, और भी अधिकारी दोषी हैं। पूरा का पूरा थाना जिम्मेवार है इसके लिए। एक थाना क्षेत्र में गैंगरेप की घटना होती है, डेड बॉडी को जला दिया जाता है, SHO उसमें संलिप्त है। संलिप्त इसलिए है कि उसने फोन पर कहा लकड़ी भेजवाइए, किसी तरीके से मामले को सेटल करवाइए। ऑडियो है उसकी, आपने सुना होगा। लेकिन परिवार नेपाल में है, नेपाल से बिहार आया है अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने, अपने 12 वर्ष के मासूम के लिए इंसाफ मांगने, जिसके बेटी के साथ गैंगरेप हुई, दरिंदों ने उसके बेटी को नोच खाया, डेड बॉडी को जला दिया गया, पुलिस के मिलीभगत से जलाया गया और सिर्फ एक SHO क्यों सस्पेंड किए गए? और भी अधिकारी हैं जिन पर कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन परिवार क्या कुछ कह रहा है, ये आपको सुनना जरूरी है। हमारे पास इस वक्त जो विजुअल है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गैंगरेप पीड़िता का परिवार, गैंगरेप पीड़िता की मां, गैंगरेप पीड़िता के पिता, प्रत्यक्षदर्शी उसका भाई और उसके परिवार के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सबसे पहले सुनना चाहिए। आप सुनिए। हम गया था सर जी, ये गरीब आदमी है, बच्चे पाले के लिए गया था, ये हमारे बच्चे के, यह बच्चे दिलाना चाहिए, यह बच्चे का न्याय चाहिए। रोड पर खड़ा है, डंडा का भर है, हमारे बेटी को न्याय जरूरी चाहिए कि हम लड़ाई करते हैं रोड में। हमारे बेटी कोई भी न्याय न पाएगा, ये बेटी नहीं मिलेगा, बोली पर एक बेटी का न्याय देना चाहिए।
हम लोग एक दुखी गरीब, हम कोई धनी कीमती वाला आदमी नहीं है सर जी। एक हमारा न्याय चाहिए कि हमारे बेटी हाथ पर लेगी, गोदी पर धरने का हमारा दिल है, इच्छा है, वही भी लूट की ले गया तो हम न्याय बेटी दिना है कि न्याय दिना है, आत्मा शांति हो जाए। बोल के हम एक भाषण करते हैं, हमारा होश नहीं है, हम एक गरीब आदमी है, हमें बोले कोई क्षमता। इनपुर के बाजार, बाजार में हमारे ससुर जी वहाँ काम करते थे, ये नहीं नया नहीं है, वो बहुत दिन पहले से थे, 6-7 बरस पहले से काम करते थे वहाँ, चौकीदारी के काम करते थे। उसी वक्त में वहाँ पे जो है एक वहाँ के बाशिंदा सियाराम जी के घर में मकान में उनका डेरा था, और वो डेरा में रहते वक्त वो कारणवश हमारी सास जो थी वो नेपाल चले गई थी कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन हो गया था। तो वो लड़की, वो साली, वो जो लड़की थी मेरी, वो लड़की अपने छोटे भाई और बाप के साथ में रहती थी। तो वो ससुर जी जो थे वो बाज़ार में चले जाते थे, बाज़ार में अपना ड्यूटी करते थे, अपना जो रोजी रोटी है, और रोज़ रोज़ अपने दुकान से 2-5 रुपया देते थे, वो वसूलते थे। तो 4 बजे के टाइम में उसको लाश मिल गया वो कमरे पर, जो कि वो सियाराम के घर पे गया तो उनके घर में उसका लाश मिल गया। तो उसके बाद वो ससुर जी को बेचारा, उनको कोई होश नहीं हुआ, बेहोश में वो लोग को वहाँ के कुछ लोग मिल के उनको घेर दिए, उनको ऐसा कर दिया कि मजबूर कर दिए, बाध्यता कर दिए कि जैसे कि यहाँ से तुम लोग ये लाश को जलाना होगा, दफन भी करना नहीं मिलता है। हाँ, उनका तो होश नहीं था। 2-4 दो लोग हमारे वहाँ के थे, वो अगल बगल के गए, वो लोग भी वहाँ पे बोल नहीं दिए कि जो कि उनको बोला, बाध्यता कर दिया कि उसको जरूर तुम लोग इसको लाश को जलाओ, इसको दफन भी करना नहीं होगा। तो वो लोग ने किसी मीडिया वाले, चाहे किसी थाना वाले, किसी को भी वहाँ रखने नहीं दिया कि जो कि तुरंत रातों रात लाश को जलवाया, रातों रात उसको कोई भी दोषी नहीं रखा। उसको सुबह पर उनको कुछ जाने के लिए किराया खर्च नहीं था, कभी भी वो लोगों ने अपना किराया जो है खर्च कैसे कैसे करवाया, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ, नहीं तो तुम लोग को जेल होगा, इधर उधर धमका के वहाँ के कुछ लोगों ने उनको घर भेज दिया। तो घर जाने के बाद अभी हमें भी सुनने में आया तो मेरा मन दुख रहा है। तो यहाँ के कुछ नया तो मिलेगा, सब लोग तो वैसे नहीं हैं, कुछ लोग तो होंगे, क्या इंडिया में कुछ आदमी नहीं है, सब आदमी इसी तरह का है क्या? यहाँ पे कुछ मीडिया नहीं है, यहाँ के कोई सरकार नहीं है, यहाँ के कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, जो कि हम लोग इसी के कारण, इस पीड़ा के कारण हम वो सास ससुर हम लोग आए हैं, जो कि अभी इस इंडिया के जगह पर हमारे न्याय चाहिए, हाँ ज़रूर चाहिए, नहीं तो बेटी होगी, नहीं तो न्याय तो जरूर होगा। कितना बजे क्या बोला था? बहन मरने के एक दिन पहले अंकल जी बोले थे कि ज़्यादा बदमाश करेगी तो अभी गला दबा के मुआ देंगे बोले थे, और उसके बाद सियाराम अंकल जी थे। तो चाय गर्म कर लिया, कोई कती बजे 4 बजे में चाय गर्म करने के लिए आया तो अंकल जी को रास्ता में भेटाया रूम से थोड़ा सा आगे, वो लुंगी बांधते बांधते चल रहे थे, तब बोले हम जा रहे हैं चाय गर्म करने, तब बोले कि इतना जल्दी तेरा चाय ठंडा हो जाता है, अब चल लो इधर लो, बोल के हमको धक्का मारे, तो हम जबरदस्ती चल गए घर। तब वहाँ जाने के बाद बहन नहीं थी, तो तुम आए तो क्या देखे वहाँ पे? बहन का लाश मरा हुआ था, रोते 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 गए, पापा को बाजार में बुलाए, कुछ भी कपड़ा सपड़ा सब जलाना भेज दिया है, सब कुछ नहीं रख दिया। आप कौन है बच्चे के? पिताजी। पिताजी, हाँ तो बताइए क्या हुआ था वहाँ पे? वो सब कपड़ा सपड़ा सब जला के, मतलब उसमें और नमक डालना पड़ता है, पड़ जाएगा, बोले वो नमक ही डाले, बोल रहा था मेरा तो होश ही नहीं है, अब उसको क्या करे कैसे करे कोई मेरा मालूम ही नहीं चला। बस वो बोले कि अब तुम बड़ी बात करेगा तो तुम जल भी जाएगा, दुनिया भर होगा, तुम धमकी धमकी करके बस ऐसे करके बस हमको हम। तो बिहार में यही सुशासन है, आपने सुना किस तरीके से पीड़िता का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दूसरे प्रदेश दूसरे देश से आकर बिहार में रहने वाले लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही है और आपका SHO इस घटना में शामिल है, क्या जवाब देंगे आप सूबे की जनता को?
आप वोट मांगने गए थे, जंगल राज की बातें कह रहे थे, 2005 से पहले के दिन याद दिला रहे थे, लेकिन आज एक नेपाल का परिवार ये कह रहा है कि बिहार में मोतिहारी में कुंडवा चैनपुर में हमारे बेटी के साथ दरिंदगी हुआ, उसके डेड बॉडी को जला दिया गया, हमें धमकी दी गई, हमें नेपाल भगाया गया। और आज सबसे बड़ी बात है कि आपका SHO इसमें शामिल था। SHO कह रहा था एविडेंस को मिटाओ, लकड़ी मंगवाओ, डेड बॉडी को जलवाओ, कल बवाल हो जाएगा, तूल पकड़ लेगा मामला। क्या जवाब देंगे आप? बिहार के लोग ये सवाल आपसे जरूर पूछेंगे। जिस तरीके की तस्वीरें हैं, जिस तरीके के लोग बता रहे हैं वहां की इस घटना के बारे में, वो तस्वीरें पूरा बिहार देख रहा है इस वक्त। जो उसका परिवार, जो पीड़िता का परिवार, जो पीड़िता के मां बाप, उनके रिश्तेदार, उसके भाई का विजुअल है, वो भी पूरा बिहार देख रहा है। न्याय की गुहार लगा रहे हैं आपसे। बिहार में आपराधिक घटनाएं तो बढ़ रही है, विपक्ष आपसे सवाल भी पूछ रहा है, लेकिन बिहार में हाथरस जैसी घटना हो और आपका एक थानेदार उसमें संलिप्त हो, कार्यवाही में इतनी देर क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक थानेदार ही दोषी नहीं है, पूरा का पूरा थाना जिम्मेवार है। जिस थाना क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो, थाना के और अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं? नेपाल का परिवार 2 फरवरी को बिहार आता है, 3 फरवरी को DSP से मुलाकात करता है सिख राणा के, आवेदन देता है, कहता है कि FIR नहीं लिख रहे हैं थानेदार, न्याय नहीं मिल रहा है हमें, न्याय की गुहार लगाता है। और एक ऑडियो जब सामने आता है तब पुलिस कप्तान इस पर कार्यवाही करते हैं, पुलिस कप्तान तक इतने विलंब से जानकारी पहुंची, इस तरीके की घटना हुई, SHO शामिल था, और SHO के साथ साथ पूरा का पूरा थाना जिम्मेवार है, और अब तक गिरफ्तारियां मात्र 2 लोगों की हुई है। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अपराधी घटनाओं के साथ साथ इस हाथरस कांड को लेकर कि क्या पुलिस ही सबके जिम्मेवार है? जवाब का इंतजार रहेगा मोतिहारी पुलिस की ओर से भी और बिहार की नीतीश सरकार की ओर से भी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर करें, ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए TodayBiharNews.in पर लॉग इन करें। धन्यवाद।